तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी 500 रुपये तक का यहाँ लोन रिक्वायरमेंट है और आप लोग चाहते हो एक ऐसा एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप लोग 500 रुपये तक लोन ले पाओ, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाह रहे हो तब भी आपके लिए ये बेस्ट होने वाला है, क्योंकि 500 से 1000 तक ही ये एप्लीकेशन लोन देता है। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इससे अप्लाई करोगे तो आपको 500 रुपये तक आसानी से यहाँ लोन मिल जाएगा सिर्फ KYC पे। तो प्रोसेस भी बहुत ही आसान रहने वाला है, कैसे हम लोग करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपका एज क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना और सारा स्टेप फॉलो करना है। अभी यहाँ प्रूफ की बात करें तो मैं आपको यहाँ प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हो 8 मिनट पहले ही ये पैसा मुझे रिसीव हो चुका है, मतलब मैंने यहाँ पे लोन अप्लाई किया था और यहाँ पे देख रहे हो 494.10 रुपये यहाँ पे क्रेडिट हो चुके हैं मेरे बैंक अकाउंट में। टाइम आप लोग देख सकते हो, डेट भी आप लोग देख सकते हो, मतलब कि इस एप्लीकेशन से लोन लेना काफ़ी ईजी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका डिसबर्सल भी इंस्टेंट ही हो जाता है, अदर एप्लीकेशन की तरह नहीं कि यहाँ पे लोन अप्रूव हुआ लेकिन आपका पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो सारा प्रोसेस आपको सही से करना होगा जिससे कि आपका लोन मिल जाए और आसानी से मिल जाए, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत भी ना हो। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक तो वॉच करना ही है और बिना स्किप किए हुए वॉच करना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे लोन एप्लीकेशन का नाम भी नहीं जान पाओगे। क्योंकि देखो, अगर लोन एप्लीकेशन का नाम मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा तो आप लोग करोगे क्या, डायरेक्ट जाओगे, ऐप इंस्टॉल करोगे, खुद से यहाँ अप्लाई करोगे, आपका लोन हो जाएगा रिजेक्ट। तो अगर इन सब से बचना चाहते हो तो यहाँ वीडियो देख करके स्टेप बाय स्टेप करना। अभी हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और सारा प्रोसेस जानते हैं। उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में आपको बेल आइकन भी दिख जाएगा तो इस पर टैप करके इसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आता है या फिर चैनल पर कोई भी अपडेट आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग यहाँ वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाओगे। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ आप लोग देख रहे हो जो आपको टेन्योर मिलने वाला है 61 डेज और यहाँ 62 डेज। ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा नहीं, 10,000 तक आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपका अमाउंट होगा वो 500 या 1000 हो सकता है, वो आपके आप लोग जो भी प्रोफाइल अपना डालोगे उस पर डिपेंड है। तो अभी हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन को कर लेते हैं इंस्टॉल और जानते हैं सारा प्रोसेस। तो सबसे पहले तो आप लोग ऐप को देख रहे हो, यहाँ पे दिस ऐप इज इन डेवलपमेंट, अभी ये ऐप रेडी हो रहा है और यहाँ पे लेकिन लोन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे देखोगे तो यहाँ 16 MB का आपका है और डाउनलोड देखोगे 500 के प्लस डाउनलोड है। रेटिंग की बात करें तो वो भी इस एप्लीकेशन में काफ़ी सही आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन को कर लेना है इंस्टॉल। अब ऐप की बात करें तो आपको जो बाद में मिलने वाला है टर्म्स यहाँ है 61 दिन से 365 दिन मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको 61 और 62 डेज का ही ऑप्शन मिलता है क्योंकि अभी एप्लीकेशन ज़्यादा अमाउंट आपको दे नहीं रहा है। अब यहाँ पे आपका फास्ट डिसबर्सल हो जाता है 24x7 यहाँ आ रहा है। अब यहाँ देखोगे इंटरेस्ट रेट 12 से 36 आपका यहाँ पे लग जाएगा, अगर मंथली की बात करें तो 1 से 3% आपको लग जाएगा। प्रोसेसिंग फी आपको 90 तक लग जाएगा, 99 लगता है लेकिन आपका अमाउंट कम है तो इतना नहीं लगेगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको ऐप को इंस्टॉल करके सबसे पहले तो कर लेना है ओपन। तो यहाँ पे ऐप हो चुका है डाउनलोड, अब सबसे पहले इसको कर लेंगे यहाँ से ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज रहने वाला है वो आप लोग सिलेक्ट कर लोगे, आपको रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट किया, अब नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां से आपको अलाउ कर देना होगा, वाइल यूजिंग द ऐप सिलेक्ट करेंगे, फिर से आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर से यहां फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करते जाना है। अब यहां जैसे ही सारा ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे आपको यहां गेट फास्ट अफोर्डेबल लोन आ जाएगा और यहाँ डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। सबसे पहले अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा, तो यहाँ से मोबाइल नंबर डालते हैं, ओके करेंगे। अब यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो इस पर कर देंगे टैप। जैसे ही टैप करेंगे यहाँ से वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आएगा जो कि भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो भी मोबाइल नंबर आप लोग डालोगे। अब यहाँ से कॉपी करके आप लोग डाल सकते हो या फिर आप लोग इसको मैन्युअली भी फिल कर सकते हो, तो मैन्युअली ही मैं फिल कर ले रहा हूँ। अब ये डालने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। तो जैसे ही आप लोग टैप करोगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, आप सक्सेस कर लेगा। अब यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन
देखने को अब आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे लोन एप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया 500 से 10,000 का यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन लोन जो आपको अभी मिलने वाला है 500 से 1,000 ही मिलेगा और टेन्योर आपका 62 डेज और 61 डेज ऑप्शन मिल जाता है। अब नीचे आ जाओगे और यहाँ से नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर टैप कर दोगे। अब जैसे ही टैप करोगे यहाँ से सबसे पहले आपको डाल देना होगा अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम डालोगे, जो भी आपका पिन कोड रहेगा वो डाल देना है। अब पिन कोड में आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जिस लोकेशन पे आप लोग रह रहे हो अगर उस पे पिन कोड वर्क नहीं करता है जो भी आपका पिन कोड है, तो आप लोग अपने आसपास के सिटी का पिन कोड डाल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा वेरीफाई करेंगे नहीं, आपका छोटा अमाउंट है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आपका रहेगा वो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग डेट ऑफ बर्थ डाल ले रहे हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो यहाँ से डाल लोगे। अब डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे अपने फादर्स का नेम डाल देना होगा, जो भी फादर्स नेम रहेगा वो डाल लेंगे। उसके बाद आपको अपने मदर्स का नेम डाल देना है, जो भी मदर नेम रहेगा वो डाल देंगे। एडुकेशन आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी आपका रहेगा हाईएस्ट आपका जो भी रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। अंडर ग्रेजुएट हो तो वो सिलेक्ट करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो वो सिलेक्ट करोगे, स्कूल और सेकेंडरी हाई स्कूल भी आप लोग डाल सकते हो, मिडिल स्कूल जो भी आपका रहेगा वो आप लोग डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे आप लोग ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन डालोगे तब भी आपका यहाँ कोई मार्कशीट या कुछ नहीं लिया जाएगा, तो आप लोग जो भी चाहो वो डाल सकते हो, मैं अंडर ग्रेजुएट डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे गार्जियन आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपके गार्जियन रहेंगे वो यहाँ पे डाल दोगे। तो यहाँ से मैं फादर को गार्जियन बना रहा हूँ, अगर आप लोग किसी और को बनाना चाह रहे हो, ब्रदर हो गया या फिर मदर हो गया, तो उनको भी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब गार्जियन का आपका नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे वही नाम डाल देना है जो भी आप लोग चूज करोगे, मदर फादर ब्रदर सिस्टर जो भी डालोगे वो आप लोग यहाँ से डाल देना। उसके बाद आपके गार्जियन का एक नंबर मांगा जाएगा, तो आप लोग वो नीचे डाल दोगे, यहाँ पे देख रहे हो ये नंबर हो गया। अब नंबर डालने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये लोडिंग लेगा, अब आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना एड्रेस डाल देना होगा, जो भी आपका लोकल जहाँ से आप लोग रहते हो वो एड्रेस डाल दोगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वो पिन कोड डालो, मतलब सिटी का पिन कोड डालो, जो आपका रहेगा वो डाल देना है। अब उसके बाद यहाँ से करेंट अगर सेम रहता है जहाँ आप लोग रह रहे हो और आपका एड्रेस जो है परमानेंट है, दोनों सेम है, तो आप लोग इस पर टिक कर देना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर कर देना है टैप। जैसे ही टैप करोगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको अपना प्रोफेशन डाल देना है, तो इस पर टैप करेंगे। अब सैलरीड हो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट में भी हो तब भी आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड ही डाल देना है। उसके बाद मंथली इनकम पूछा जाएगा, 20,000 डाल दोगे क्योंकि आपको ज़्यादा यहाँ पे लोन अमाउंट चाहिए नहीं, तो आप लोग कम ही डालना। उसके बाद अब आपको यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना आधार नंबर, और कितना लोन आपको चाहिए वो आप लोग यहाँ से डालोगे, एक जीमेल डालोगे। उसके बाद यहाँ से इन दोनों को टिक कर लोगे और नेक्स्ट कर दोगे। अब इतना करने के बाद आप लोग जो भी पैन आधार डालोगे वो वेरीफाई किया जाएगा डिजी लॉकर से। उसके बाद आपको एक सेल्फी दे देना होगा, आपको लोन ऑफर मिल जाएगा। जितना भी लोन ऑफर मिलता है उसको आप लोग बैंक अकाउंट नंबर डाल करके उसको डिसबर्सल कर सकते हो, इजी प्रोसेस होने वाला है, यहाँ से आप लोग खुद से कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लोग मैसेज करो इंस्टाग्राम पे कोई भी, या फिर आप लोगों का कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हो।